हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत ही हेल्दी, हल्का फुल्का और जल्दी बनने वाला नाश्ता, जो कि है उपमा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे रवा यानी सूजी। सूजी को हम लोग रोस्ट कर लेंगे बिना कुछ डाले, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे उड़ीद दाल, मूंगफली, धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज। प्याज को मैंने थोड़ा लंबा काट लिया है। अब हम लोग लेंगे तेल, इसमें मैंने जो मूंगफली है उसे फ्राई करके निकाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें उड़ीद दाल और राई। जीरा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी चुटकी भर हींग, इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। फिर हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद मैं डालूंगी लंबा कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहो तो नहीं भी डालो तो चलेगा। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें रोस्ट किया वाला सूजी और एक चम्मच घी मैं अभी इसके ऊपर से डाल लूँगी और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं लूँगी डेढ़ ग्लास पानी, इसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब ये वाटर जो है मैं इस सूजी में डाल दूँगी और ढक्कन रख दूँगी 2 मिनट के लिए। और ये हो गया है हमारा उपमा रेडी। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया और आप इसको थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही खिला खिला, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके।